आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा खलासी राजू पिछले 15 मिनट से ढाबे में खाना लाने के लिए घुसा है, मगर पता नहीं क्यों वो अभी तक खाना लेकर लौटा नहीं। तेज भूख की वजह से पेट के चूहे भी मर चुके थे। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब मुझसे रहा नहीं गया, तब मैंने अपना फ़ोन उठाया और राजू को फ़ोन मिलाने जा ही रहा था कि तभी खाना लेकर राजू ट्रक में आ गया। उसके आते ही मैंने पूछा, क्या कर रहा था इतनी देर से? इस पर राजू बोला, अरे वो गर्मा गर्म बनवा रहा था ना, इसलिए टाइम लग गया। चलिए उस्ताद, खाना खाते हैं। खाना सच में बड़ा स्वादिष्ट था। अब खाना अच्छा था या मेरी भूख बढ़ी हुई थी ये नहीं मालूम, मगर हाँ खाना खाकर मज़ा आ गया। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि तभी राजू के पास वाली खिड़की पर कोई भिखारी आकर खड़ा हो गया और हाथ बढ़ाकर कुछ देने के लिए बोलने लगा। पहली बार तो राजू ने उसे कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया, मगर इसके बावजूद भी वो जब नहीं माना, तब राजू ने उसे डांटकर भगा दिया। मगर जाते जाते उस भिखारी ने कहा, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, बहुत गलत किया। इतना बोलकर वो भिखारी वहां से चला गया। उस वक्त तो हमने उसकी बात को हवे में उड़ा दिया, मगर हमें पता नहीं था कि कभी कदार लोगों की बद्दुआ भी लग जाती है। खैर, खाना खत्म करने के बाद ट्रक स्टार्ट करके हमने अपना सफ़र शुरू किया। हाईवे पर फैला सन्नाटा ही ये बताने के लिए काफ़ी था कि रात बहुत हो चुकी है। 70-80 की रफ्तार में हमारी ट्रक आगे बढ़े जा रही थी। हाईवे पर जितना सन्नाटा था उतना ही अंधेरा। मन में मौसम बिगड़ने का डर भी था, क्योंकि बीच बीच में बादलों की गर्जन और बिजली की चमकाहट हम साफ सुन और देख पा रहे थे। खैर, ट्रक चले जा रही थी। स्कूल बेंच और फर्नीचर से ट्रक पूरा भरा हुआ था। हमें जिस गांव में माल उतारना था वो अभी काफ़ी दूर था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे तभी राजू बोला, उस्ताद आगे मोड़ से दाएं ले लेना। इस पर मैंने पूछा, क्यों, रास्ता तो सीधा है ना? इस पर राजू बोला, उस्ताद ये शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने भी सोचा कि अगर थोड़ा जल्दी माल डिलीवर कर देंगे तो हमारा ही अच्छा होगा, और वैसे भी मैं बहुत बार सैकड़ों शॉर्टकट रास्तों से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैंने भी बिना किसी अगर मगर के सामने मोड़ पर जाकर ट्रक को दाईं ओर मोड़ लिया। अब हमारे सामने जो रास्ता था वो रास्ता कम जंगल ज़्यादा लग रहा था। घने लंबे पेड़ रोड की ओर इतना झुके हुए थे कि हमारी ट्रक बार बार उन पेड़ की टहनियों से टकरा रही थी। रास्ते का ऐसा हाल देखकर मैंने राजू से पूछा, तुझे पक्का पता तो है ना कि यही है वो शॉर्टकट? इस पर राजू बोला, इधर से ही सुना था मैंने, पर ये था या इसके आगे वाला समझ नहीं आ रहा। इस पर मैंने बोला, क्या यार, जब मालूम नहीं था तो क्यों बोला यहाँ आने के लिए, अब उतना घूम कर जाना पड़ेगा। इस पर राजू बोला, नहीं नहीं उस्ताद, यही है वो रास्ता, सामने बोर्ड देखिए। राजू के कहने पर मैंने जब सामने देखा तो सड़क के किनारे पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था बनिहार गांव 49 किलोमीटर। उस बोर्ड को देखकर मुझे थोड़ी शांति मिली और मैं बेझिझक ट्रक को भगाने लगा, मगर एक बात अभी भी खटक रही थी कि उस पूरे रास्ते पर हमारी ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। मेरी ट्रक और रात कीड़ों की आवाज़ें उस रास्ते की खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक
सिर्फ जंगल होने की वजह से इन छोटी मोटी आवाजें उस गहरी खामोशी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। उस सुनसान रास्ते पर अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सामने सड़क पर हमें एक चेक पोस्ट दिखा। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस चेक पोस्ट पर ना तो कोई पुलिस वाला था और ना ही कोई गाड़ी। चेक पोस्ट का फाटक गिरा हुआ था, लिहाजा मैंने फाटक से कुछ ही दूरी पर ट्रक रोक दिया और नीचे उतरकर फाटक की ओर बढ़ने लगे। मेरी देखा देखी राजू भी उतर चुका था। मैंने एक नज़र चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ दूर दूर तक इंसान तो दूर एक परिंदा तलक भी दिख नहीं रहा था। जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर्फ खामोशी और सन्नाटा। जब बहुत खोजने के बाद भी कोई नहीं दिखा, तब मैं और राजू फाटक के पास गए और अपने हाथों की मदद से फाटक को उठाने की कोशिश करने लगे। मैंने जैसे ही फाटक को हाथ लगाया कि तभी मेरे हाथ में चिपचिपा सा कुछ लगा। मैंने जब अपनी हथेली को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी हथेली पर खून लगा हुआ था। मैंने अपनी हथेली को राजू की तरफ मुड़ाया। मेरी हथेली देखकर राजू बोला, क्या हुआ, क्या फाटक हटाओ। राजू से ये जवाब पाकर मैंने जब अपनी हथेली को वापस से देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मेरी हथेली पर लगा सारा खून अब गायब हो चुका था। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर मैंने राजू से कुछ नहीं बोला और चुपचाप फाटक उठाने में उसकी मदद करने लगा। कुछ ही देर में हम दोनों ने मिलकर फाटक उठा दिया और ट्रक लेकर आगे बढ़ गए। आगे का रास्ता और भी ज़्यादा खाली था। इधर जंगल बहुत घना था, इतना कि जंगल की वजह से रोड छोटा हो गया था। तभी राजू बोला, उस्ताद वो फाटक खाली क्यों था। इस पर मैं बोला, पता नहीं। इतना बोलकर मैं ट्रक चलाने पर ध्यान देने लगा। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी ट्रक के ऊपर से खटपट की कुछ आवाज़ें आने लगी। मुझे लगा शायद झुकी हुई पेड़ की टहनियाँ ट्रक से टकरा रही होंगी, मगर ऐसा नहीं था। मैंने सिर झुकाकर ऊपर की ओर देखा, लेकिन पेड़ रास्ते और ट्रक से काफ़ी ऊपर थे। तभी मैंने राजू से बोला, यह आवाज़ कैसी है यार। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी ट्रक की विंड शील्ड पर ऊपर से दो पैर लटकते दिखे। मैं और राजू दोनों ही हैरान थे कि भला कोई चलती ट्रक के ऊपर कैसे बैठ सकता है। हालांकि उस वक्त हमें ट्रक रोककर देखना चाहिए था, मगर हम दोनों में से कोई भी इतना हिम्मत वाला नहीं था कि ट्रक से बाहर निकलकर देख सके। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी राजू बोला, उस्ताद ट्रक की स्पीड बढ़ा दो, जो भी होगा अपने आप गिर जाएगा। राजू की ये बात मुझे ठीक लगी और बिना कुछ सोचे समझे मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो कोई भी था अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। मैं और राजू डर के मारे थरथर कांप रहे थे, मगर समझ नहीं आ रहा था कि इस बला से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। डर के मारे स्टीयरिंग पर मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे, और अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था। ट्रक रास्ते के किनारे एक पेड़ से जा टकराई, जिसके साथ ही मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर मैं बेहोश रहा, मगर जब मेरी आँख खुली तब मैं एक खड्डे में पड़ा हुआ था। मुझ पर मिट्टी फेंकी जा रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ गया तो देखा कि सफ़ेद कपड़ों में तीन चार लोग मुझ पर मिट्टी फेंक रहे हैं। उन सभी के चेहरे बड़े अजीब से थे। मैंने उस खड्डे से निकलने की कोशिश की,
और दो चार बार हाथ पैर मारने पर मैं उस खड्डे से निकल भी गया। उस खड्डे से निकलकर मैंने जब इधर उधर देखा तो पाया कि आसपास सिर्फ कब्र ही कब्र है। मतलब ये कि वो एक कब्रिस्तान था। मैं बिना देर किए राजू को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे राजू कहीं पर भी दिख नहीं रहा था। वो अजीब लोग भी मेरे पीछे पीछे घूमे जा रहे थे। मैं पागलों की तरह आवाज़ लगाकर राजू को ढूंढे जा रहा था, लेकिन राजू उस पूरे कब्रिस्तान में कहीं नहीं था। तभी अचानक ही किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। पीछे मुड़कर देखा तो वही तीनों अजीब लोग थे। तभी उन्होंने मुझे एक झटके से ज़मीन पर पटक दिया और घसीट कर मुझे उसी कब्र के पास ले जाने लगे जहाँ से मैं निकला था। लेकिन तभी किसी ने पीछे से मेरा पैर पकड़ा। वो जो कोई भी था, उसके पैर पकड़ते ही उन तीनों अजीब लोगों ने मुझे एकदम से छोड़ दिया और हवा में कहीं धुआं हो गए। मैंने पलटकर सामने देखा तो राजू था। राजू ने मुझे सहारा देकर उठाया और बोला, उस्ताद चलिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। फिर मैं और राजू कब्रिस्तान से बाहर की ओर जाने लगे। अभी हम कब्रिस्तान से बाहर निकलने ही वाले थे तभी राजू बोला, उस्ताद आप चलो, मैं आता हूँ, ट्रक बाहर ही पड़ी है। लिहाजा मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल गया तो मेरी ट्रक सामने ही पड़ी थी। ट्रक की हालत बहुत खराब थी। मैं चलकर ट्रक के पास गया और ट्रक में पड़े अपने फ़ोन को निकालने के लिए जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बगल वाली सीट पर राजू पड़ा हुआ था और उसकी सांसें थम चुकी थीं। मतलब ये कि थोड़ी देर पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वो राजू नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। राजू की लाश देखकर मैं फूट फूट कर रो दिया और उस दिन के बाद से मुझे राजू की आत्मा कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।